अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू इजी लर्निंग। आज की मेरी वीडियो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल पर है, एटॉमिक थ्योरी पर है। इसमें हम एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे रदरफोर्ड की और इसके डिफेक्ट्स पर बात करेंगे कि आया इसने जो थ्योरी दी थी उसमें क्या डिफेक्ट्स थे और उसको किसने दूर किया था। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरी पढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले डायग्राम समझ लेते हैं। अगर आपको डायग्राम समझ में आ गई तो इट्स मीन आपको थ्योरी भी समझ में आ गई। देखें, रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल जो एक्सपेरिमेंट था, इसमें इसने रेडियो एक्टिव सोर्स ली, रेडियो एक्टिव पार्टिकल लिए, अल्फा हीलियम लिया था, ठीक है, अल्फा पार्टिकल का नाम दिया उसे। ये पार्टिकल्स कौन से होते हैं जिनका साइज़ 83 से बड़ा होता है? ये अनस्टेबल होते हैं, मतलब ये जब इमिट होते हैं, मतलब जब इनका सॉल्यूशन होता है तो ये फिर वो चीज़ नहीं रहते, डिफरेंट पार्टिकल्स में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब इसने इसमें ये गोल्ड फॉइल ली है, ठीक है, और इसने ये एक डिटेक्टर लिया है, ठीक है, इसमें जिंक जो था इसने लगाया था इस डिटेक्टर में डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब इसने रेडियो एक्टिव जो सोर्स थी अल्फा पार्टिकल की, इसने बूम की गोल्ड फॉइल पर, ठीक है। जब इसने अल्फा पार्टिकल बूम किए, ठीक है, गोल्ड फॉइल की तरफ, तो जो अल्फा पार्टिकल थे वो गोल्ड फॉइल क्रॉस करके सामने जो इसने डिटेक्टर लगाया हुआ था वहाँ पर चले गए कि डिटेक्ट करने के लिए कि भाई यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो अल्फ़ा पार्टिकल हैं वो रिसीव भी हो रहे हैं या नहीं। तो इसने देखा कि काफ़ी हद तक रिसीव हो रहे हैं, कुछ बिल्कुल डायरेक्टली जा रहे हैं, कुछ क्रॉस हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे थे जो वापस बैक आ रहे थे, मतलब गोल्ड फॉइल से टकरा कर वापस आ रहे थे, वो इसको क्रॉस नहीं थे कर रहे, जम करके आगे नहीं थे जा रहे। सिंपल ये इसका एक्सपेरिमेंट था। अब ऑब्जर्वेशन क्या थी, रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट बनाया इसमें ऑब्जर्वेशन क्या थी इसकी? इसने देखा कि जब मैंने अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से क्रॉस किए तो ज़्यादा तादाद में मुझे वो सामने बिल्कुल सीधे जाते दिखाई दिए। तो इसने ऑब्जर्व क्या किया, मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स ट्रैवल थ्रू दी फॉइल, ठीक है, अनडिफ्लेक्टेड, मतलब कोई रिफ्लेक्ट हुआ नहीं, बिल्कुल सीधे गए, सीधे ये देखें नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है, तो ये बिल्कुल सीधे क्रॉस हुए, बिल्कुल सामने की तरफ हमें नज़र आए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एटम का जो स्पेस है उसमें बहुत ज़्यादा खाली जगह है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ उसने क्या ऑब्जर्व की कि सम अल्फ़ा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, कि कुछ जो हमारे अल्फ़ा पार्टिकल थे वो क्रॉस होने के बाद कुछ एंगल में घूम गए, ठीक है, जो हमारे अल्फ़ा पार्टिकल थे वो क्रॉस तो हुए लेकिन किसी वजह से वो घूम गए, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं गए। अब वो क्या था, द न्यूक्लियस इज़ द पॉजिटिव चार्ज एज इज़ द अल्फ़ा पार्टिकल। मतलब क्या हुआ, अब देखें न्यूक्लियस में जो बीच में होता है, ठीक है, उसमें भी पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, इसकी वजह से वो उसके जब करीब से गुजरे तो वो रिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया। अब उसकी थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या थी, ओकेजनली ऑन अल्फ़ा पार्टिकल्स ट्रेवल बैक फ्रॉम द फॉइल। अब कुछ अल्फ़ा पार्टिकल थे वो क्रॉस हुए ही नहीं भाई, वो वापस आ गए, मतलब कोई मखसूस जगह थी वहाँ पर हमने अल्फ़ा पार्टिकल भेजे लेकिन वो क्रॉस हुई नहीं, वो वापस आ गए। वो क्या चीज़ थी भाई, तो वो था द न्यूक्लियस कैरीज मोस्ट ऑफ द एटम्स मास। मतलब जो न्यूक्लियस होता है हमारा एटम, ठीक है, उसका मास एटम से ज़्यादा होता है, ठीक है, वो ज़्यादा मास कैरी करता है, इस वजह से हमने जो अल्फ़ा पार्टिकल भेजे थे वो न्यूक्लियस ने वापस भेज दिए। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस का जो मास है वो एटम से बड़ा है, ज़्यादा है, ठीक है, आई होप कि क्लियर है। अब देखें, मैंने इनको दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया, अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कंसिस्ट टू पार्ट्स, दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है, एक तो न्यूक्लियस, एक है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। पढ़ते हैं न्यूक्लियस पार्ट कौन सा है, इट इज़ द सेंट्रल पॉइंट ऑफ एटम, एटम का सेंटर पॉइंट होता है न्यूक्लियस, ठीक है, ये रहा सेंटर पॉइंट। इस अच्छा आगे पढ़ लेते हैं, कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल चार्ज होता है। Since protons have positive charge, nucleus is positive.
क्योंकि प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये पॉजिटिव हुआ ड्यू टू द प्रेशर ऑफ दीज पार्टिकल। अब ये पार्टिकल हम गुजार रहे हैं, ठीक है, अल्फा पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, रेडियो एक्टिव जो है, ठीक है। अब दीज पार्टिकल मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम इन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। अब जो एटम का मास था वो ज़्यादा, मतलब ज़्यादा होता है, क्योंकि मैंने आपको अभी डायग्राम समझाते हुए बताया था कि जो एटम का मास है, जो न्यूक्लियस का मास है वो एटम से ज़्यादा है। तो इसी आगे यही बात ये कर रहा है कि दीज पार्टिकल मोस्ट ऑफ मास ऑफ एटम इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, कि जो मास था वो न्यूक्लियस, मतलब पॉजिटिव 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 था तो ज़्यादा था इसका मास एटम से, तो इस वजह से ये जो अल्फ़ा पार्टिकल थे ये रिफ्लेक्ट हुए। ठीक है, आई होप कि क्लियर है आपको न्यूक्लियस का पार्ट। अब ये सेकंड पार्ट है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ये पार्ट कौन सा था जिसमें से जो अल्फ़ा पार्टिकल थे वो बिल्कुल सीधे जा रहे थे गॉड फॉइल से। ठीक है, इट इज़ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एटम। ये एटम का दूसरी जगह है, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट है। ये तो न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज थे, जो अल्फ़ा पार्टिकल जा रहे थे लेकिन वापस आ रहे थे, ठीक है। विच इज़ मोस्टली एम्प्टी स्पेस, जो ये जो जगह थी, ये सारी जगह, ठीक है, ये बिल्कुल खाली थी। ठीक है, आगे यही कह रहा है, विच इज़ मोस्टली एम्प्टी स्पेस, इट्स कंटेन पाथ्स। अब मतलब यहाँ पर क्या है, या भाई पाथ है किसी चीज़ के ना, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं ऑर्बिट। ये जो हैं इनको हम कहते हैं ऑर्बिट, ठीक है, ठीक है, और शेल, शेल भी कहते हैं, ठीक है, इन विच इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली रिवॉल्व। ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं। अब रदरफोर्ड ने ये कह दिया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसमें डिफेक्ट क्या थे भाई, सही था, रिवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, न्यूक्लियस का मास ज़्यादा है एटम से, इस वजह से अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है भाई, समझ आ गई हमें बात, लेकिन क्या थे डिफेक्ट। अब डिफेक्ट पर बात करते हैं, रदरफोर्ड एटॉमिक जो मॉडल था उसके डिफेक्ट्स पर बात करना स्टार्ट कर रहे हैं हम। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल फिज़िक्स थ्योरी, क्लासिकल फिज़िक्स थ्योरी क्या कहती थी, इफ़ इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग कंटिन्यूसली, अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के, जो आपने बताया रदरफोर्ड ने कि भाई अलग, अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहे हैं तो दे मस्ट एमिट एनर्जी, वो अपनी एनर्जी लूज़ करेंगे या एनर्जी लेंगे, ठीक है, इमिट करेंगे, ठीक है, एंड द डिक्रीज इन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मस्ट रिजल्ट अस देयर फॉल इन न्यूक्लियस, कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, अगर ये घूमे जा रहे हैं तो एक टाइम आएगा कि ये बिल्कुल न्यूक्लियस के पास पहुंच जाएंगे, और जब वहाँ पर घूम के ये तो फिर बिल्कुल न्यूक्लियस के अंदर चले जाएंगे, तो ये तो मतलब ऑब्वियसली ठीक नहीं है, ठीक है, धमाका हो जाएगा और दुनिया ख़त्म हो जाएगी। दूसरा डिफेक्ट क्या था रदरफोर्ड का, इफ़ इलेक्ट्रॉन्स एमिट एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज़ कर रहे हैं, ठीक है, घूम रहे हैं और एनर्जी एमिट हो रही है कंटिन्यूसली, तो दीज शुड बी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, कि भाई वो एक स्पेक्ट्रम बनाएंगे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, बट इन कॉन्ट्रास्ट अ लाइन स्पेक्ट्रम, बट वो तो लाइन स्पेक्ट्रम में हो रहा है, शो हो रहा है, ठीक है, इज प्रोड्यूस्ड बाय लाइट इमिटेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए स्पेक्ट्रम क्या होता है, एक लाइट पड़ रही है, ठीक है, कहीं, और एक आपके पास जो है वो पैरामिट है, ठीक है। अब ये जो लाइट अगर इस पैरामिट पर पड़ रही है और पड़ने के बाद 7 डिफरेंट लाइंस में, जिसे हम रेम्बो भी आपने नाम सुना होगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, मतलब अब ये जो लाइंस बन रही हैं, ठीक है, डिफरेंट कलर आपको शो हो रहे हैं, अगर तो ये एक दूसरे से अलग आपको नज़र आ रहे हैं, जैसा कि रेम्बो में नहीं नज़र आते, ठीक है, वो हमें नहीं पता होता कहाँ ख़त्म हो रहा है रेम्बो कलर ना, तो
अब वो जो हमारा पास स्पेक्ट्रम होता है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, जिसमें हमें पता नहीं चल रहा होता कि ये कलर कहाँ ख़त्म हो रहा है। बट इन लाइन स्पेक्ट्रम में हमें इनके बीच में ना, जैसे ये अगर ब्लू कलर है और ये रेड कलर है, तो इसके बीच में एक डार्क सी लाइन होगी कि भाई ये वाला ब्लू है और ये वाला रेड है, तो ये ऐसे स्पेक्ट्रम बना रहा था। तो वो कह रहा है अगर तो ये तो होना चाहिए कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, लेकिन ये तो बना रहा लाइन स्पेक्ट्रम, तो ये रदरफोर्ड का डिफेक्ट था। आई होप कि इसके डिफेक्ट भी आपको क्लियर हैं, और इसके दोनों पार्ट जो थे न्यूक्लियस का भी और एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट भी आपको क्लियर है। ठीक है, अब हम चलते हैं नील बोहर एटॉमिक मॉडल पर। ठीक है, नील बोहर एक्सप्लेन द इमिशन ऑफ लाइट एनर्जी एंड लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम इन हिज एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल में उन्होंने बताया है भाई, पढ़ने से पहले डायग्राम समझ लें। ठीक है, अब देखें, रदरफोर्ड का ये डिफेक्ट था कि रदरफोर्ड ने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये रिवॉल्व कर रहे हैं तो ये एनर्जी तो लूज़ करेंगे, ठीक है, या तो नीचे आएंगे या भाई ऊपर जाएंगे, कहीं तो जाएंगे, लेकिन ये एनर्जी कुछ ना कुछ ऐसा होगा। ठीक है, रदरफोर्ड ने ये वो नहीं बता सका कि भाई देखो, अब जितने यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जैसे कि आप कार्बन की बात करें हम, तो यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं इसके पास, 6 है ना, प्रोटॉन 6 हैं यहाँ पर। ठीक है, अब उतने ही इलेक्ट्रॉन भी बाहर होंगे, ठीक है, मतलब 6 प्रोटॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। आई होप कि क्लियर है। देखें, अब यही वजह थी, अब देखें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व करेंगे तो ये जो ऑर्बिट है, ये जो शेल है, इसका साइज़ और इसका साइज़ दोनों सेम साइज़ होगा। ठीक है, साइज सेम, SAME। अब देखें, ये इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द रिवॉल्व करेगा, एनर्जी लूज करेगा या गेन करेगा। अब ये एक बहुत बड़ा डिफेक्ट था कि रदरफोर्ड ये नहीं बता सका कि भाई जितने अंदर आपके पास प्रोटॉन होंगे ना, उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर होंगे भाई। ठीक है, और ये चीज़ भी नहीं बता सका कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट में, ठीक है, ये न्यूक्लियस में जा ही नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते भाई, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास इतनी ही एनर्जी होगी वो उस ऑर्बिट में रन कर सके। अगर एनर्जी लूज है तो भाई नीचे चला जाएगा, ठीक है, और एनर्जी अगर ज़्यादा हुई है, उसकी गेन हुआ है उसको, तो ऊपर चला जाएगा, तो वो अंदर न्यूक्लियस के जा ही नहीं सकता। ठीक है, आई होप कि क्लियर है। ये डिफेक्ट थे जो इसके मतलब नील बोहर ने दूर किए थे। अच्छा, पढ़ लेते हैं नील बोहर एटॉमिक मॉडल। अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एग्जिस्ट इन द सेंटर ऑफ एटम। ठीक है, वही बात हो गई, हम पढ़ चुके हैं भाई, जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर पार्ट होता है और पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, द नंबर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं, इक्वल द नंबर ऑफ पॉजिटिव प्रोटॉन। ठीक है, इक्वल द नंबर ऑफ पॉजिटिव प्रोटॉन जो ऑर्बिट में चीज़ घूम रही है, ये जो प्रोटॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन के इक्वल ही होंगे, ना उससे ज़्यादा होंगे ना उससे कम होंगे। ठीक है, इनसाइड द न्यूक्लियस, जो प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस होता है। थर्ड पॉइंट क्या दिया था नील बोहर ने, ड्यूरिंग द रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अराइज विच इज इक्वल टू द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस ऑन इलेक्ट्रॉन। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सी होती है, ठीक है, ये ऑर्बिट, ये रहा, ठीक है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, ये रहे इलेक्ट्रॉन, घूम रहे हैं इसके गिर्द। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये एक सर्कल की शेप में, जैसे आपने देखा होगा झूला, झूले में बैठे होंगे, ठीक है, झूले में जब डोली वाले झूले में या किसी भी झूले में आप बैठे हैं, तो जब लेट सपोज के आप इलेक्ट्रॉन हैं उसमें, ठीक है, लेट सपोज वो बीच में जो है वो हैंडल है, वो न्यूक्लियस है और आप इलेक्ट्रॉन है, तो आप घूम रहे हैं, तो आप एनर्जी
मतलब जो न्यूक्लियस है वो आपको दूर फेंकेगा अपनी तरफ से, ठीक है। एग्जांपल है, इसी वजह से ये ऐसी है। तो ये इलेक्ट्रॉन आप दूसरे ऑर्बिट में मूव करेंगे, मतलब न्यूक्लियस के करीब बिल्कुल भी नहीं आएंगे, ठीक है। यही ये कह रहा है कि सेंट्रिफ्यूगल फोर्स अराइज होगी, जो अट्रैक्शन होगी, अट्रैक्शन फोर्स होगी ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ ऑन दी इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन पर अप्लाई की जाएगी न्यूक्लियस की तरफ से अट्रैक्शन फोर्स। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।